साबित किया। तो पहला प्रयास ये था भारतीय इतिहास में कि रामायण को अयोध्या इतिहास की बहुत बड़ी देन है, उन्होंने एक कथा को जिसमें कि ये सत्य थी कि पूरे देश को बदल सकता था, समाज को बदल सकता था, उसको उन्होंने लोक ग्रंथों तक पहुंचाया और व्यापक मान्यता को इसका प्रसार। और इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत से निरक्षर हैं जिनको आज भी इसकी चौपाइयों को सबको याद। तो आपके पास एक ग्रंथ है जिसको पढ़ने की लालसा भी है लोगों को, और वो इस तरह से बनाया गया है ताकि आप पढ़ ले सकें, और उसके आप एक टेक्स्ट बुक की तरह बनाया गया है, मतलब ये देखिएगा यह लर्निंग ये टेक्स्ट बुक है। इसको लोग धार्मिक ग्रंथ कहा करके एक आजकल के जमाने में इसको डिग्रेड करते हैं, लेकिन वास्तव में ये सिंपल टेक्स्ट बुक है जिसमें एक कहानी के माध्यम से हम लोग शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अगर इसके आप लोगों की चर्चा होगी तो उसमें हम लोग और चर्चा विस्तार से कर सकते हैं इसमें और क्या कराते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर गाँव में जाइएगा और लोगों से बात कीजिएगा तो एक बात होगा मुझे कि आप क्यों पढ़ना था पढ़ लेता रामायण तो पढ़ लेते हैं, पहली चीज क्या पढ़ा जो रामायण पढ़े महाभारत की बात नहीं करता है, रामायण की बात करता है कर्म कथा पढ़े कर्म से लोग डर लगता है कर्म महाभारत हो जाए भाषा भी किसी ने और भी नहीं किया उसके टेक्निक पर हो और उसी आधार
भी नहीं है। देखिएगा 1992 में ही हम लोगों ने एक निर्णय लिया, जब मैं डॉक्टर मौसम के समय था, एक निर्णय ले लिया था समय यही मतलब डिपार्चर थी उसके डॉक्टर हमेशा थी निशा के लिए सुनना चाहिए। हम लोग अगर सभी कम्युनिटी के लिए अलग अलग प्रांगण बनाना शुरू किया, ट्रावल सोना बना था माइनर्स के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए तो मजदूरी आधारित बना था, माटी पानी बना था, सभी जिले के लिए अलग अलग, तो लेकिन वो जिला आधारित। अभी मैं कर रहा हूँ ये एक किसी कम्युनिटी का एक जो जो सांस्कृतिक पुस्तक है उससे जोड़ करके हम लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूँ और कम्युनिटी पर भी हम लोग काम करेंगे और फिर उनके उनके लिए भी इस तरह का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। ये सभी के लिए उपयोग है और होता क्या है ना, और आपका साक्षरता में सबसे कठिन वर्ड आपके सामने चुनौती वाला है, जितने लोग ईजी थे वो तो आसानी से हो गए, और कठिन वर्ग है तो आपको और कठिन कठिन प्रयोग करने होंगे, कठिन कठिन सॉल्यूशन निकालना। तो इनके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि बड़ा वर्ग बड़ा तबका ऐसा है, देखिएगा शिव चर्चा के नाम पर लोग जमा हो जाते हैं, राम चर्चा के नाम पर क्यों नहीं हो, और उसको अगर साक्षरता से जोड़ दीजिएगा, इसमें राम का भी चर्चा है, शिव का भी चर्चा है, जो जो जयकारा लगाते हैं बोलो सियावर राम वचन की, देखिएगा यह एक नेचुरल है, यही पढ़ाई का आधे कम हो सकता है, ये पढ़ाई कौन सुन इस पुस्तक में यही है। मैं बताता हूँ अवधेश जी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे इसको करें। हम लोगों का काम यही है कि लोगों को शिक्षित बनाए, एक बार एक किताब पढ़ेगा तो दूसरी किताब भी पढ़ेगा, उसके लोग कहें कि विज्ञान नहीं पढ़ेगा, किसान वाला किताब नहीं पढ़ेगा, एक बड़े एक और बात होता एक बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि दीपाकर की जो ड्राइवर्स पढ़ रहे हैं अद्भुत पढ़ रहे हैं, दीपाकर ने कॉलम ने अद्भुत काम किया है, ऐसा आपको उनको हमेशा उन लोगों के लिए ताली देना चाहिए दीपाकर के लिए। उनकी करीब करीब 30-40 प्राइवर होंगे, उससे ज़्यादा ही हो सकता है, 34 प्राइवर मतलब 34 कॉमेडीज के लिए ऑल ऑफ क्वालिटी पढ़ा सकती है। इराम के पास तो इसलिए नहीं पढ़ा सकता कहीं लोग अगर कहीं था नहीं था अदरवाइज थ्योरी के हिसाब से ये एकदम फिट पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने मैं दिमागत का भी दर्शन है लेकिन मैं वहाँ से नहीं करा करके हम लोग ऊर्जा भी जैसे वहाँ पर कराते हैं, क्योंकि सरकार उसके बाद ये कंट्रोवर्सी पड़ जाती है, सरकार चाहती है कि इसको चलाए भी ना चाहे, चला अपने झंडा लेकर खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि आप लोग रामचंद्र मानस को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं उस विवाद में नहीं पढ़ करके हम लोग ये सामाजिक प्रयास करें। अभी आपने कहा कि भारत सरकार केंद्र सरकार, मैं समझता हूँ कि अगर समाज प्रयास करे तो सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, समाज का काम है। बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे क्योंकि गांव में अभी भी एक दूसरे को सिखा दें, रामायण पढ़ना जरूर सिखा दें, एक बड़ा फायदा है इससे, समझिए रामायण से जुड़ने से वो क्या फायदा है। जितनी किताबें भी बनी हैं 34 ये 100 घंटे में पढ़ाई होती थी, 200 घंटे में पढ़ाई होती, 200 घंटा मतलब समझिए 2 घंटा का रोज लिखेगा तो 100 या 1 घंटा रोज पढ़िएगा तो 200 मतलब 7-8 महीने में आ जाता है। लेकिन उसके बाद एक समान सिद्धांत ये है कि अगर 3 वर्षों तक लगातार आप पढ़ते लिखते नहीं हैं तो पढ़ना लिखना भूल जाते। रिजल्ट ये हुआ जितने हमारे प्राइमर पढ़े जब तक पढ़े तो बहुत बढ़िया, और जब फिर छूट गया तो छूट गया। उसके लिए उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम चलाया न्यू लिटरेट का, 9 साक्षरों का कार्यक्रम, जिसमें किताब हम लोग अलग से देते, लोग किताब देना संभव ही नहीं होता, सबको नहीं देते, वो हम लोग सिर्फ एक केंद्र बनाए वहाँ पर कुछ किताब रख देते थे, वहाँ से लोग ले जाएँ पढ़ें, ये सब नहीं होता। लेकिन रामायण संभव होता सब लोग के घर में, आप मालूम है कि रामायण पढ़ाएगी तो रामायण पढ़ लें, रामायण को खरीद भी लें, 20-25-30 रुपया 40 रुपया किताब है खरीद, ये सस्ती भी है और नहीं तो ये सामान्य प्रयास से उनको भी कराया जा सकता है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक अभियान गीता प्रश्न चलाया था कि घर घर रामायण चले, उसी में इतना सस्ता बना गीता प्रश्न वाला बनाया गया था। मैंने एक बार चर्चा की थी इसको, उस समय मेरे गवर्नर थे विनोद पांडे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम शुरू करो इसको तो मैं फ्री तुमको रामायण सबको दिला दूंगा, हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन वो रहा साथ और कमिटमेंट जरूर हुआ। उन्होंने कहा था गीता प्रश्न में
कि किसी तरह से प्रयास ना हो लोगों के घर घर में गीता रामायण जाए, इसलिए इतना सस्ता छपवाया गया इसको, इसको बहुत लोग डोनेशन से लाते हैं। हम लोग क्या लोग क्या हम लोग हल करेंगे आपका। मैं कहने का अर्थ ये है, अगर ये किताब पढ़ लेते हैं लोग और रामायण उनके पास है तो वो रोज के दिनचर्या में अगर आधा घंटा एक घंटा समय निकाल सकें पढ़ने का, ये अस्थायी पढ़ाई हो सकती है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। इसलिए रामचरितमानस का रामायण का चुनना जरूरी, रामायण का चुनना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि साहब रामायण अभी के ग्रंथों में सबसे अधिक मूल्य वाला ग्रंथ समझा था। मूल्य मतलब वैल्यू, पैसा नहीं। राम को हम अभी भी आदर्श पुरुष मानते हैं, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इस कहानी में जो